हरे कृष्ण, मैं हूँ डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। लक गुरु कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे, नीम नाम का पौधा आपने सुना होगा। नीम का पौधा जो है हर जगह उपलब्ध है, खासतौर से गाँव में, शहरों में यह उपलब्ध है और इसके दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगिता है। इसके चर्म रोग में, दातुन करने में, स्नान करने में, पूजा में, हर जगह नीम के पौधे का बड़ा महत्व है। और नीम के पौधे का जो द्योतक होता है वह किस ग्रह से इंडिकेट होता है और किस ग्रह का नेतृत्व करता है, और नीम के पौधे का लगाने से और नीम का प्रयोग करने से इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और किस ग्रह से इसका संबंध है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो आइए आज हम आपको बताते हैं। आपने देखा होगा नीम, नीम बहुतायत में पाए जाने वाला एक वृक्ष है। यह औषधि गुणों से भरपूर होता है, इसलिए आम जीवन में इसका खूब प्रयोग होता है। आपने देखा होगा इसकी पत्तियों से लेकर के और इसके बीज तक सब कुछ अत्यंत ही उपयोगी होते हैं। यह त्वचा, पेट, आँखें और विषाणु जनित समस्याओं में इसका प्रयोग अद्भुत होता है। इसकी पत्तियों से किसी भी प्रकार के संक्रमण को रोका जा सकता है, कि एंटीबायोटिक का भी काम करता है। नीम का अत्यधिक सेवन नपुंसकता को ला सकता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम नीम का प्रयोग जो करते हैं कहीं अधिक मात्रा में न हो। अब हम आइए आपको बताते हैं कि नीम का धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से क्या महत्व है। तो आपने देखा होगा जो नीम होता है, माँ देवी और शक्ति की उपासना में नीम का प्रयोग किया जाता है। माँ शीतला और माँ काली की पूजा में नीम का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से ज्योतिष में जो नीम का संबंध होता है, शनि और कहीं कहीं केतु से भी इसके संबंधों को जोड़ा जाता है। कहते हैं कि शनि को शांत करने के लिए नीम की लकड़ी पर हवन करने से यह शीघ्र फलदायी होता है और शनि का जो कुप्रभाव है उसमें न्यूनता आती है। इसी प्रकार नीम के पत्ते वाले जल से स्नान करने पर केतु की समस्याएं दूर होती हैं और व्यक्ति को अगर इचिंग है, खुजली है, इस प्रकार की समस्याएं भी दूर होती हैं और शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो नीम के पत्ते से स्नान करने से इन्फेक्शन दूर होता है। इसी प्रकार से कहते हैं कि लकड़ी पर बने हुए यंत्र अत्यंत ही प्रभावशाली माने जाते हैं। कहते हैं कि अब हम आपको बताएंगे कि नीम का विशेष प्रयोग क्या है और यह किस लिए होता है और इसका क्या उपयोगिता है, ये आपको बताते हैं। जो नीम का पौधा होता है या घर में ऐसे स्थान पर इसको रोपण करना चाहिए जहां से पूरे घर से उसकी हवा आवे, जिससे ऑक्सीजन आपको मिले। घर के मुख्य द्वार पर नीम का पौधा अत्यंत ही शुभ माना जाता है और ये निगेटिविटी को हटा करके पॉजिटिविटी को ले आता है। अगर वाणी की समस्या हो और मन चंचल हो तो उस समस्या को दूर करने के लिए नीम का दातून, ब्रश के जगह पर अगर आप दातून करते हैं नीम का, तो उसमें एकाग्रता को बढ़ाने में ये काम आता है। नीम की लकड़ी के पलंग पर सोने से अगर आपको स्किन या त्वचा की समस्याएं हैं तो अभी दूर होता है। नीम के तेल और छाल के प्रयोग से कुष्ठ रोग सरलता से खत्म किए जा सकते हैं। जो कुष्ठ रोगी हैं इसके प्रयोग से अपने कुष्ठ रोग का निवारण कर सकते हैं। अगर शनि आपको पीड़ा दे रहा है तो नीम की लकड़ी की माला धारण करनी चाहिए, इससे शनि से आपकी परेशानी कम होती है। तो आज मैंने आपको बताया कि नीम के पत्ते का दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है और यह किस ग्रह से इंडिकेटेड होता है, इसके बारे में मैंने बताया। और अब हम बात करेंगे आज के पंचांग की। अब हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 13 जनवरी 2019, दिन है रविवार, सप्तमी तिथि है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, शुक्ल पक्ष है, चंद्रमा रहेगा मीन राशि में। आपका शुभ समय है 12:08 से लेके 12:50 तक रहेगा। राहु काल है 4:25 से लेके 5:44 सायंकाल तक रहेगा। पश्चिम दिशा का दिशाशूल है। यात्रा करने से परहेज करें, यदि यात्रा अपरिहार्य है तो दही और गुड़ खा करके यात्रा आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया आज का पंचांग कौन सा शुभ मुहूर्त है, राहुकाल कब है, यात्रा कब करें, इसके बारे में मैंने बताया। और अब हम बात करेंगे आज के दिन जन्मे जातकों की।
अब हम बात करेंगे आज के दिन जन्म जातकों के बारे में कि आज जो जातक जन्म लिए हैं उनके लिए समय कैसा रहेगा और यह वर्ष उनके लिए कैसा रहेगा। तो आज है 13 जनवरी 2019, तो आज का दिन बहुत ही खास है। खास क्यों है? खास इसलिए कि आज आपका जन्मदिन है। तो आपके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में चतुर्दिक सुख मिले, प्रगति करें। आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, प्रभु आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आइए अब हम बात करते हैं आज के दिन जन्मे जातकों की, उनका वर्ष कैसा रहेगा, तो उनके बारे में मैं बताऊँगा। तो आज है 13 तारीख, तो 13 तारीख के जो जन्मे जातक हैं उनके लिए यह वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ऐतिहासिक प्रगति होने से यह वर्ष आपके लिए यादगार के रूप में जाना जाएगा। आपका संघर्ष समाप्त होगा, नए प्रकार के कार्य और व्यवसाय कर सकते हैं, उसकी प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। नया वाहन खरीद सकते हैं, कृषि योग्य भूमि खरीद सकते हैं, इसकी प्रबल संभावनाएं बन रही है। अगर नया कोई रोजगार, उद्योग, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपका समय सर्वोत्तम चल रहा है। इस वर्ष में आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, ख्याति मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। खास तौर से जो किसान हैं उनके लिए, किसान के क्षेत्र से जो अगर आप खेतीबाड़ी करते हैं या कृषि के क्षेत्र से अगर धन अर्जित करना चाहते हैं तो आपके लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से यह समय महत्वपूर्ण चल रहा है, आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगा। खास तौर से जो उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, उनके लिए समय अच्छा है। नए तरीके का व्यापार करेंगे, आपको लाभ होगा और जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको बड़े पैमाने पर सफलता मिलेगी। खास तौर से जो खेल के क्षेत्र में रुचि रखने वाले हैं, खिलाड़ी हैं, उनके लिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी ख्याति बढ़ेगी, जो भी आप करेंगे उसमें आपका काफ़ी नाम होगा, आपको पुरस्कार मिल सकता है और आपकी अपने कर्मों द्वारा, अपने कार्य के द्वारा एक नई प्रकार की पहचान बनेगी, इसकी प्रबल संभावनाएँ बन रही है। तो मैंने बताया आज के दिन जन्मे जातकों का कैसा रहेगा भविष्य, इसके बारे में मैंने बताया। और अब हम बात करेंगे आज के दिन, अब हम बात करेंगे जो 12 राशियां हैं, 12 राशियों के बारे में आपको बताएंगे कि जो 12 राशियां हैं उनका किसको पदोन्नत होगी, किसको घर मिलेगा, कौन विदेश यात्रा करेगा, किसका नया व्यापार होगा, किसके घर में नया मेहमान आएगा, ये सब आपको मैं बताऊँगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं प्रथम राशि मेष राशि से। अब हम बात करते हैं मेष राशि से। तो जो मेष राशि वाले जातक हैं, आज आपको नए मेहमान के आगमन का शुभ समाचार मिलेगा, जिससे मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। शुभ कार्यों के पूर्ण होने का शुभ समय चल रहा है। इच्छित कार्य संपन्न होंगे, गृह निर्माण के प्रबल योग बन रहे हैं, चतुर्दिक विकास से आपका मन खुश रहेगा, लाभ होने की संभावनाएं दिख रही हैं, नए प्रकार का व्यापार कर सकते हैं, उसका प्रबल योग बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम चल रहा है, खिलाड़ियों के लिए भी बहुत अच्छा समय चल रहा है, प्रगति करने का ढेर सारे अवसर मिलेंगे, आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ेंगे, नए व्यापार करने के लिए उत्तम समय, नया कार्य कर सकते हैं, उसके लिए बेहतरीन समय आपका चल रहा है। तो जो मेष राशि के जातक हैं, आपका मीन राशि का चंद्रमा लग्न से आपके राशि से 12वें बैठा हुआ है, तो इससे क्या होता है कि एक तो आपकी देश विदेश की यात्रा हो सकती है, आयात निर्यात कर सकते हैं, जो भी आप प्लानिंग करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। और चंद्रमा मंगल की युति से आज आपको ध्यान रखना है, एक तो अपने गुस्से पर ध्यान रखना है, अपने को वाणी पर कंट्रोल करना है, कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे आपको थोड़ी सी मन में कष्ट हो, या जो चीज़ आपको अप्रिय लगे उस तरह का व्यवहार दूसरों के साथ न करें। पारिवारिक जो भी आपका दायित्व है, जिम्मेदारियाँ हैं, उस सबको निर्वाह करने में और सफलता प्राप्त करने में सफल रहेंगे। आय और व्यय पर सामंजस्य स्थापित करना आपके लिए बेहतर होगा, तो खर्च पर कंट्रोल करने की जरूरत है। और आप प्रगति के लिए आगे बढ़ते जाइए, आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है उधर सोचने की जरूरत नहीं, आप जितना आगे बढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान दें, लक्ष्य पर ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, सूर्य देव की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग पिंक है, लक मीटर 7 है। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं वृष राशि के। तो जो वृष राशि के जातक हैं, आज आपको रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, परिवार में ढेर सारे शुभ कार्य होने का योग बन रहा है, पदोन्नत होने की प्रबल संभावना बन रही है, आपके प्रयासरत कार्यों में बड़े पैमाने पर आपको सफलता मिल सकती है, इसकी प्रबल योग बन रहा है। लेखन कार्य से आपको धन मिलने की संभावनाएं बन रही है, यात्रा, देशाटन, तीर्थाटन इत्यादि का प्रबल योग बन रहा है, यात्रा से आपको लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं और तीर्थयात्रा इत्यादि भी
कर सकते हैं। तो जो वृष राशि के जातक हैं, आपका चंद्रमा आपकी राशि से 11वें है, तो चंद्रमा मंगल की युति एकादश भाव में, एक तो आपको धन धान्य की स्थिति अच्छी है, अगर रियल इस्टेट माइंस या भूमि भवन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपका बेहतरीन समय चल रहा है। यदि आपका प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी डिस्प्यूट चल रहा होगा तो उसका समाधान होने की संभावनाएं दिख रही हैं। संततियों से मन प्रसन्न रहेगा और संतान की प्रगति से आपका मन प्रसन्न रहेगा, आप खुश रहेंगे और कुछ नया करने के लिए सोच सकते हैं, कुछ नए तरीके के कार्य करने के स्वर्णिम अवसर आपको प्राप्त होंगे जिसके प्रगति से मन आपका प्रसन्न रहेगा। और आय और व्यय पर थोड़ा सा सामंजस्य स्थापित करना आपके लिए हितकर होगा और इमोशन में हो आके कोई निर्णय न लें तो सेंटिमेंट पर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। सावधानी क्या बरतनी है, आपको गुस्से पर नियंत्रण रखना है, छोटी छोटी बात को लेकर आपको टेंशन होती है, इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है, इससे बचना है। उपाय क्या करना है, चंद्रमा को अर्घ देना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा और सफ़ेद वस्त्र अगर जरूरतमंद व्यक्ति को देते हैं तो लाभप्रद रहेगा। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग सफ़ेद है, लक मीटर 9 है। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो जो मिथुन राशि वाले जातक हैं, आज आपको जो बहुत दिन से सोच रहे हैं कि आपका कार्य नहीं हो रहा है, तो एक तो रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, चिर प्रतीक्षित कार्य की समस्त योजनाएं आपकी पूर्ण होंगी, प्रयासरत कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होने की प्रबल संभावना बन रही है। परिवार में नए कार्य, नए मेहमान, नया शुभ कार्य हो सकता है, इसकी प्रबल संभावना बन रही है। परिवार में नए मेहमान के आगमन से मन आपका प्रसन्न रहेगा, आपकी जीवन संगिनी का सुख आपको प्राप्त होगा और चतुर्दिक लाभ से मन आपका प्रसन्न रहेगा। पिता से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद होने की संभावनाएं बन रही हैं, आपका मन उद्विग्न रहेगा, संतान से मन प्रसन्न रहेगा और अति आत्मविश्वास से आपका कार्य बिगड़ सकता है। अति आत्मविश्वास में न रहें, अपने को थोड़ा सा संतुलित आचरण, संतुलित व्यवहार, संतुलित विचार रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। जो मिथुन राशि के जातक हैं, आपके दशम भाव में चंद्रमा और मंगल है, तो एक तो शासन सत्ता सरकार से आपको लाभ मिल सकता है, नई नौकरी सरकारी, अगर आप किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा दिए होंगे तो उसमें आपको सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आज आपकी पदोन्नत हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है, आपके लिए समय लाभ के लिए अच्छा चल रहा है, माता का सुख मिलेगा, नए तरह के कार्य कर सकते हैं। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है और विरोधी और रोग और शत्रु को हल्के में न लें, उनके प्रति थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है और अपने खर्च पर नियंत्रण रखना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। द्रुत गति की गाड़ी चलाने से परहेज करें। सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी बरतनी कि नए मित्र से, किसी प्रकार के नए मित्र से सावधानी बरतें। जो नए मित्र, पुराने मित्रों पर तो भरोसा कर सकते हैं, जो नए मित्र बने उनसे थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। उपाय क्या करना है, असहाय को भोजन कराना आपके लिए हितकर रहेगा। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग हरा है, लक मीटर 7 है। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि वाले जातक हैं, आज आपको सरकार से और सरकार से सरकारी विभाग में नौकरी मिलने की प्रबल संभावनाएं बन रही है, नौकरी आपको सरकारी आज मिल सकती है, उसके प्रबल योग बन रहा है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना आपके लिए हितकर होगा और यदि आप बहुत दिन से चिर प्रतीक्षित कार्य का प्लानिंग कर रहे हैं उसमें आज आपको बड़ी सफलता मिलने का प्रबल योग बन रहा है। खास तौर से जो विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, उनके विद्याधन के लिए बहुत अच्छा समय चला है, पढ़ाई लिखाई करियर उनका बहुत ही अच्छा होगा और आपको इस समय रियल इस्टेट में अगर आप पूंजी अगर निवेश करते हैं तो सावधानी बरतने की जरूरत है, वहां से आपको हानि हो सकता है, आपके लिए हानिकारक हो सकता है, किसी के साथ आज आपकी अनबन हो सकती है, थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करें, आलस्य का परित्याग करें, जो भी आपका समय कीमती चल रहा है उसका सदुपयोग करना आपके लिए हितकर रहेगा। उपाय क्या करना है, हरा चारा गाय को खिलाना आपके लिए बेहतर होगा। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग नीला है, लक मीटर 9 है। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो आज जो सिंह राशि वाले जातक हैं, आज आपके संतान से मन थोड़ा मुटाव हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, नए व्यापार एवं व्यवसाय से आपको लाभ मिलने की संभावना बन रही है, देश विदेश की यात्रा हो सकती है, आयात निर्यात हो सकता है, नए प्रकार के व्यापार करने के स्वर्णिम अवसर मिल सकते हैं, उसकी प्रबल संभावना बन रही है। लेखन कार्य से आज आपको लाभ मिलने की संभावना दिख रही है, साहित्य और साहित्यिक क्षेत्र से आय के साधन मिलेंगे, न्यायालय में अगर आपका कोई विवाद चल रहा होगा तो न्यायालय से आज आपको लाभ मिलेगा, उसमें आज आपको विजयश्री मिलने
की प्रबल संभावना बन रही है। तो जो सिंह राशि वाले जातक हैं, आज आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई नया रोजी रोजगार, नया व्यापार, नया इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपका बेहतरीन समय चल रहा है। माता का सहयोग मिलेगा, माता के सहयोग से कई महत्वपूर्ण कार्य करने की संभावनाएँ बन रही हैं। रियल इस्टेट, भूमि, भवन में अगर पूंजी लगाते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है, लेकिन जो आपके पुराने कोई चीज़ है उससे लाभ मिलने की संभावना, रुका हुआ धन मिलने की संभावना बन रही है। सावधानी क्या बरतनी है, समय की कीमत को समझें, आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, चना मंदिर में दान करें, अच्छा रहेगा। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग केसरिया है, लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो जो कन्या राशि वाले जातक हैं, आज आपकी जितनी भी पारिवारिक समस्याएं हैं सब समाप्त होगा, जीवन सुखमय होगा, नए प्रकार के व्यापार से लाभ होने की संभावनाएं दिख रही हैं। लेखन और साहित्य के क्षेत्र से आज आपको बड़ा सम्मान मिल सकता है, ख्याति मिल सकती है, आप पुरस्कृत किए जा सकते हैं। रोग और शत्रु आपके परास्त होंगे। जगह जमीन जायदाद खरीदने का प्रबल संभावना बना है, भूमि इत्यादि खरीद सकते हैं। कृषि भूमि खरीदने का प्रबल योग बन रहा है, आपका समय बहुत उत्तम चल रहा है। आज आपको संतान सुख मिलने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही उत्तम चल रहा है, खिलाड़ियों के लिए भी यह समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थी और खिलाड़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं, उनकी एक अलग पहचान हो सकती है, उसके लिए बेहतरीन समय आपका चल रहा है। तो जो कन्या राशि के जातक हैं, आज आप फाइनेंस के क्षेत्र में शेयर और आयात निर्यात में अगर पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद होगा। दूर देश की यात्रा हो सकती है, आयात निर्यात से धन मिलने की संभावना बन रही है। संततियों का सुख प्राप्त होगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा। सावधानी क्या बरतनी है, साझेदारी में व्यापार करने से बचे, नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करना है, गणेश जी की पूजा करें, आपके लिए बेहतरीन रहेगा। और आज आपके लिए शुभ अंक है, आपके लिए शुभ अंक है 1, शुभ अंक शुभ माफ करिएगा शुभ अंक है 2, शुभ रंग नीला और लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तो जो तुला राशि की जातक हैं, आज आपके परिवार में नए प्रकार के शुभ कार्य होने की संभावनाएं बन रही हैं। घर में नए मेहमान आ सकता है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, रोजगार से आज आपको लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। विदेश से आयात निर्यात करने का योग बन रहा है, विदेश से आज आपको लाभ मिल सकता है, नए प्रकार के व्यापार कर सकते हैं, होटल इत्यादि खरीद सकते हैं। नए प्रकार का व्यापार जैसे स्टार्टअप है, लघु उद्योग है, बड़ा उद्योग है, आप लगा सकते हैं, उसके लिए आपका समय सर्वोत्तम चल रहा है। परिवार में शुभ कार्य होने का शुभ योग बन रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, पॉजिटिव सोच रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, चींटियों को आटा खिलाना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग हरा है, लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो जो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं, आज आपको चारों तरफ से बड़े धन लाभ होने की संभावना बन रही है। आपके परिवार में कई शुभ कार्य होने के संकेत मिल रहे हैं, परिवार में नए मेहमान आ सकता है, जिसके नाते आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा, नए कार्य एवं नए उद्योग से लगाने का अवसर मिल रहा है। खासतौर से जो खेल खिलाड़ी में रुचि रखने वाले लोग हैं उनके लिए समय अच्छा है, खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। यदि आप लेखक हैं तो अच्छा कर सकते हैं, साहित्य के क्षेत्र में बड़ा कर सकते हैं। यदि आप फिल्मी दुनिया में हैं, अगर कोई फिल्म इत्यादि बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए यह समय अच्छा चल रहा है, खासतौर से जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं उनको अपने कृषि के क्षेत्र से बड़े पैमाने पर धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रही हैं। सावधानी क्या बरतनी है, कोई भी काम सोच समझ करके करना आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, असहाय को भोजन एवं वस्त्र जरूर दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग केसरिया है, लक मीटर 9 है। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं धनुराशि की। तो जो धनुराशि वाले लोग हैं, आज आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बेवजह गुस्सा आएगा, छोटी छोटी बात को लेकर इरिटेट होंगे, आप बहुत ही सेंसिटिव हैं, तो कब किस बात पर आप चिढ़ जाएंगे कोई भरोसा नहीं। तो आपको थोड़ा सा आज आपको बैलेंस रखने की जरूरत है और अपने मन पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। संपादन एवं संपादकीय कार्य से आज आपको लाभ मिलेगा, लालित्य कला से धन मिलने की संभावना बन रही है, देश विदेश की यात्रा का प्रबल योग बन रहा है। स्वास्थ्य से आज आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगावें, आपके लिए हितकर रहेगा। आपका
आपका समय आपके अनुकूल चल रहा है तो समय का कैसे सदुपयोग करेंगे, इसका ध्यान आज आपको रखना है। तो जो धनु राशि के जातक हैं, आज आपका चंद्रमा मंगल आपके राशि से चौथे है, एक तो माता पिता का सुख मिलेगा, नया व्यापार कर सकते हैं, नया जगह जमीन खरीद सकते हैं, कृषि भूमि खरीद सकते हैं। यदि आज आप कोई नया व्यापार करने की प्लानिंग करते हैं या कुछ बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा है। सरकारी नौकरी के लिए जो बहुत दिन से आप एफर्ट कर रहे हैं, आपका कार्य नहीं हो रहा है, तो सरकारी नौकरी मिलने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं और स्थानांतरण का भी प्रबल योग बन रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बरतें। उपाय क्या करना है, असहाय की मदद करें। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग नारंगी है, लक मीटर 9 है। हरे कृष्ण। तो अब हम बात करेंगे गुरु के नुस्खे की। तो गुरु के नुस्खे में हम आपको प्रतिदिन छोटे छोटे कोई ना कोई उपाय बताते हैं जो आपके लिए काफी लाभप्रद होता है। आज हम इसी क्रम में आपको बताएंगे कि आपने देखा होगा कि सूर्य प्रकृति का आत्मा है, सूर्य के प्रकाश से पूरा संसार प्रकाशित रहता है। तो आपने देखा होगा कि जो आपके घर में सूर्य की भूमिका में आपके पिता होते हैं, जो बड़े घर में होते हैं वह सूर्य का नेतृत्व करते हैं। तो इस तरीके से आज रविवार है तो आज ही के दिन से आप क्या करें कि आपके घर में अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, चाहे आपके ग्रैंड मदर हों, चाहे आपके ग्रैंड फादर हों, चाहे आपके फादर हों, तो उनकी देख रेख करने से, उनकी सेवा शुश्रूषा करने से, उनके दवा है, उनका खान पान अगर इस तरह का आप ध्यान रखते हैं तो आपका सूर्य ग्रह मजबूत होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। तो जो मकर राशि के लोग हैं, आज आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो बात खराब लगे उस तरह का व्यवहार दूसरों के साथ न करें। दूसरा, आप बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं तो गुस्से में निर्णय न लें, गुस्सा न करें और गुस्सा से जितना दूर रहेंगे उतने आपके लिए अच्छा रहेगा। नए व्यापार करने के सुंदर अवसर मिलेंगे, आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसको अवेल करने की जरूरत है। शुभ कार्यों का शुभ योग बन रहा है, जमीन एवं वाहन खरीदने का प्रबल योग बन रहा है। रोग और शत्रु परास्त होंगे, नए तरह के कार्य से आज आपको लाभ मिल सकता है, इसकी प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। सावधानियां क्या बरतनी है, आय और व्यय पर नियंत्रण करने की जरूरत है तो खर्च पर ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। काला वस्त्र अगर दान करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग नीला है, लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज आपको चारों तरफ से शुभ कार्य और मंगल कार्य होने के शुभ समाचार मिलेंगे। परिवार में नए कार्य, नए मेहमान होने की भी संभावनाएं बन रही है, नए मेहमान के आगमन का प्रबल योग बन रहा है। भाइयों के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है, बहन के लिए गुड न्यूज मिलने की संभावना दिख रही है। रोजी रोजगार के क्षेत्र में आप जो भी एफर्ट करेंगे उसमें आज आपको बड़े पैमाने पर लाभ मिल सकता है। भाई बहनों के सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, भाई बहनों का सुख मिलेगा, नए प्रकार के व्यापार करने का अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही सर्वोत्तम चल रहा है, इसमें आप अपने करियर के प्रति थोड़ा सा फोकस हो और अपने लक्ष्य के प्रति लग के करें, जितनी ऊर्जा लगाएंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। तो ध्यान रखना है कि आपको कैसे अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना है और माता पिता के आशीर्वाद लें, और कोई भी नया कार्य करते तो माता पिता के बगैर आशीर्वाद के न निकलें। और यदि आज आप कोई नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, आपके लिए बेहतरीन है, नया कार्य करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। संतान का सुख मिलेगा, पुराना रुका हुआ धन मिलेगा, देश विदेश की यात्रा हो सकती है, तीर्थ यात्रा रहता धोने की भी प्रबल संभावना बन रही है। सावधानी क्या बरतनी है, हेल्थ पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। उपाय क्या करना है, असहाय को भोजन एवं कंबल गिफ्ट करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग हरा है, लक मीटर 9 है। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। तो जो मीन राशि के लोग हैं, आज आपको साहित्य लेखन से या पुस्तक लेखन से धन लाभ होने की संभावना बन रही है, आपकी किताबें पुरस्कृत हो सकती है, पदोन्नत वगैरह होने की भी संभावनाएं बन रही हैं, आपका मनोबल काफ़ी हाई रहेगा। अपनी भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत है, भावेश में आके कोई कार्य न करें, आपको नुकसान हो सकता है। सावधानी क्या बरतनी है, आलस्य में अपना समय नष्ट न करें। उपाय क्या करना है, आज आप क्या करें कि चना दान करें मंदिर में, अच्छा रहेगा। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग केसरिया है, लक मीटर 9 है। हरे कृष्ण। तो आज मैंने आपको बताया कि नीम की पत्ते की क्या उपयोगिता है और नीम का पत्ता औषधि दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है, हर रोग में यह काम आता है और विभिन्न प्रकार के रोगों के इलाज में काम आता है, पॉजिटिव ऊर्जा के लिए बहुत ही अच्छा है। और शनि और केतु
किन ग्रहों को के वजह से इसका मतलब ठीक करता, किस ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, तो चलते चलते हम आपको बता दें कि कल कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा दिन है, राहु काल कब है, दिशाशूल कब है, तो आइए आपको बताते हैं। कल है 14 जनवरी 2019, दिन है सोमवार, तिथि है अष्टमी, रेवती नक्षत्र है, शुक्ल पक्ष है, चंद्रमा रहेगा मीन राशि में, शुभ समय है 12:09 से लेके 12:51 अपराह्न काल तक रहेगा, राहु काल है 8:34 से लेके 9:52 प्रातः काल तक रहेगा, पूर्व दिशा का दिशाशूल है, यात्रा करने से परहेज करें। हरे कृष्ण।